ऑन है क्या? ऑन भी है और हम लाइव भी हैं। हाय, मैं हूँ स्मृति। हाय, मैं हूँ आपके साथ रोहन, और स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है एन एडवेंचर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियाँ। ये शो है सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे आप अगर 8th में हैं तो आप भी ये शो जरूर फॉलो कर सकते हैं। यस, और आप ये शो फॉलो करिए क्योंकि इस शो में हम आपको एक रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी की रोमांचक कहानी दिखाएंगे, और उस स्टोरी से हम एक कौशल भी सीखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सही, जैसे कि आज की कहानी बहुत ही ज्यादा जगमगाती हुई होगी क्योंकि इस कहानी का नाम है शहर का जगमगाता बिजली उद्यम। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे शहर खाना बनाते बनाते एक सौर उद्यमी बन गई। तो चलिए देखें। बिल्कुल। शहर का जगमगाता बिजली उद्यम। हमारे चारों तरफ स्वच्छ ऊर्जा है, इसके बारे में सूर्य से पूछो। एक बार की बात है, एक घुमावदार गलियों वाले गांव में सूरज इतना कहर बरसा रहा था कि अगर वहां की पक्की सड़कों पर आप अंडा फोड़ कर डाले तो वो ऑमलेट बन जाता था। शहर ने सड़क पर अंडे को सिकते हुए देखा, जो एक अंडे के ट्रक से गिरा। उसके पिता ने अभी अभी अपनी नौकरी खो दी थी और वो बहुत दुखी थे। उसकी बहन को स्कूल में जाना जरूरी था, उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। शहर ने काम पर गए लोगों के लिए दोपहर का भोजन बनाया। उसे ये सब करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सूरज निकलने से पहले बिजली ना होने के कारण इस समय ये काम करना और भी कठिन हो जाता था। फिर उसने सोचा कि दिन में तो सूरज की रोशनी बर्दाश्त के बाहर थी। उसे याद आया कि कैसे उसने सड़क पर पड़े अंडे को गर्मी के कारण सिकते हुए देखा था। पीले कागज का टुकड़ा हवा में लहरा रहा था, शायद ये भी ट्रक से गिरा होगा। शहर मन ही मन बुदबुदाई। उसने ये सोच कर उसे उठाया कि ये अंडे का विज्ञापन होगा, लेकिन नहीं, ये सोलर लाइट का विज्ञापन था। शहर ने तिरछी आंख से कई बार सूरज की तरफ देखा और फिर अंडे की तरफ देखा। उसे समझ में आया कि यही वो चीज थी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसने उस विज्ञापन की पर्ची को अपनी जेब में रख लिया। उसने अपने पिताजी को बताया कि वो कुछ सब्जियां लेने जा रही है, और उसने अपनी साइकिल दुकान की ओर दौड़ा दी। उसने दोपहर के भोजन को बेचकर मिलने वाली हफ्ते भर की कमाई उसकी मेज पर रखी। ये एक बड़ा जोखिम था क्योंकि अगर ये असफल होता तो दोपहर का भोजन बनाने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। उसने एक गहरी सांस ली। दुकानदार ने सिक्कों की गिनती की और पाया कि वो पैसे पूरे नहीं थे। पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर कुछ सोचकर उसने बचे हुए पैसों की एक रसीद और रोशनी के लिए सौर दीपक दोनों शहर को दे दिए। उस रात शहर ने वो सोलर लाइट ले जाकर अपनी दोस्त के चाउमीन के ठेले पर लटका दी। जब अन्य सभी ठेलों की लाइट बुझ गई, तब उसकी सोलर लाइट तेजी से चमक रही थी। इस बात से ठेले पर चाउमीन बेचने वाली उसकी उद्यमी दोस्त इतनी खुश हुई कि उसने उस रात कमाए हुए मुनाफे का आधा हिस्सा शहर को दे दिया। शहर के पास अब इतना पैसा था कि वो अगले दिन सभी के लिए दोपहर का खाना बना सकती थी। इसके बाद उसने कुछ ऐसा शुरू किया जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता था। ठेला लगाने वाले हर उद्यमी ने उसे सोलर लाइट के लिए ऑर्डर दिया। वो अगले दिन वापस दुकान पर गई। उसने अपने बचे हुए पैसे चुकाए और दुकानदार से एक और मदद मांगी। क्या आप मेरे पिताजी को सोलर लाइट की मरम्मत करना सिखाएंगे? ऐसा कहते हुए उसने मेज पर ढेर सारे सिक्के रख दिए। ये सुनकर दुकानदार ने सूरज की जैसी चमकती मुस्कान दी। उसे लगा कि कोई महिला सौर उद्यमी बन जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं। शहर्स बोल्ट ऑफ लाइटनिंग बिजनेस, शहर का जगमगाता बिजली उद्यम। आप चार चार की टोली बनाकर पूरा कीजिए। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। आप ये समझ गए हैं कि उद्यमी को
वो समस्या सुलझानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। पहला भाग, सबसे पहले आप आपके घर और स्कूल के आसपास का नक्शा बनाएंगे। आप मैप में वे समस्याएं भी दिखा सकते हैं जो सुलझाना चाहते हैं। उसी मैप में लिखे आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, समस्याएं आदि। दूसरा भाग, अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से पढ़े कि मैप कैसे बनाना है और उसके अनुसार मैप बनाएं। इसके बाद आपके पास 3 बड़ी समस्याएं होनी चाहिए जिसमें से आप एक बड़ी समस्या चुनेंगे और उसे सुलझाएंगे। ये करने के बाद अगले रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। वाह, चौमिन का नाम सुनते ही खाने का मन हो गया यार। है, जब देखो खाने की बात, पर खाने की बात के अलावा यहाँ पर एक बहुत काम की बात भी सामने निकल के आई, वो ये कि शहर ने रिस्क लेकर अपना उद्यम शुरू किया और समाज को सौर ऊर्जा से परिचित कराया और हमारे वातावरण को भी सुरक्षित रखा। कमाल है शहर की ये कहानी। ये तो हमारी एडवेंचर गाइड बुक का पार्ट 1 है। Yes. पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक कौशल यानी एक स्किल के बारे में। So, आज की कहानी से जो एक स्किल के बारे में मैं सबसे बात करना चाहता हूँ वो है टेकिंग इनिशिएटिव के बारे में। So, इस स्किल का मतलब जानते हैं हमारी इसी किताब के पीछे वाले पन्नों में, जहां आपको और भी बहुत सारी स्किल्स का मतलब जो है वो मिल जाएगा। So, इस स्किल का मतलब है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। So, पहल करना यानी टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब है आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब समय आ गया है, पहले किसी और के जाने का इंतजार मत करो। हर किसी को पहल करने का मौका मिलता है, फिर आप क्यों नहीं। तो ये इनिशिएटिव स्किल के बारे में हमने इस कहानी में देखा। इस स्किल का इस कहानी में भरपूर इस्तेमाल देखा हमने। अगर शहर अपने दोस्त के चौमिन के ठेले के लिए सोलर लाइट लाने का इनिशिएटिव नहीं लेती तो फिर उन लोगों को भी सोलर लाइट के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और ना ही फिर सब लोग उस सोलर लाइट का ऑर्डर देते और वो एक सौर उद्यमी बनती। तो इनिशिएटिव लेना यानी कि पहल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे कि हमने एक पहल की है आपको ऐसे रोमांचक कहानियां दिखाने की और आपको नए नए कौशल सिखाने की। यस, तो अब हम इस बुक को रखेंगे और हमारी एक्टिविटी बुक यानी कि इस बुक को उठाएंगे। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, पर आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से रंग भर सकते हैं। इस एक्टिविटी बुक में हमारी आज की कहानी पर निर्धारित बहुत सारे चैलेंजेस एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले आपको अपने घर या स्कूल के आसपास का नक्शा बनाना है और उस नक्शे में आप वो समस्या भी दिखा सकते हैं जो आप सुलझाना चाहते हैं। उसके बाद जो 3 बड़ी समस्याएं आपको अपने आसपास दिख रही हैं वो लिखें, और समस्याएं क्यों हैं उनकी वजह अगले हिस्से में लिखें। बस अब इनमें से किसी भी एक बड़ी समस्या को चुनिए और उसको इस भाग में सुलझाइए, और जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले तो हमको हमारे इस एड्रेस पर अपना ये प्रोजेक्ट भेज दीजिए। हमें आपकी प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन जानने का इंतजार रहेगा। सो चलिए अब आप भी पहल करिए और कुछ बड़ा करके दिखाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले शो में एक नई कहानी, एक नई रोमांचक कहानी के साथ, एक नई उद्यमी की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। तो ये थी हमारी आज की कहानी, कैसी लगी आपको। इस कहानी पर बेस्ड अब समय होता है एक क्विज खेलने का आपके साथ। इस क्विज की खासियत ये है कि अगर आप इसके सही जवाब देंगे तो आप भी जीत सकते हैं हमारी ये किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे इस नंबर पर कॉल करना है या फिर हमारी ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है, सभी सवालों के सही जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं ये किताब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, क्या सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। दूसरा सवाल, पहल करना सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्यों है। तीसरा सवाल, आपके घर पर जब बिजली की समस्या आती है तब आप क्या करते हैं। चौथा सवाल, क्या आप कुछ नया करने के लिए पहल करेंगे। पांचवा सवाल, सौर ऊर्जा का क्या अर्थ है। तो सभी सवालों के जवाब आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां पे भी आप जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, और अगर आप लकी हुए यानी कि लकी 500 विद्यार्थियों में से हुए तो आपको भी मिल सकती है ये शानदार किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और कॉल करिए।